11 साल की उम्र में शादी, दिन में बकरियां चराती और रात में करती पढ़ाई, अब मजदूर की बेटी बनी टॉपर। स्कूल जाने की उम्र में थामी ससुराल की जिम्मेदारी, लेकिन हौसले कभी नहीं हुए कम, आखिरकार मेहनत के आगे झुक गया गरीबी। मजदूर पिता की बेटी ने हासिल की वो सफलता जिसने पूरे प्रदेश में बजा दिया डंका, परिवार मना रहा जश्न, ससुराल वाले कर रहे गर्व। जो कहते थे शादीशुदा लड़की को नहीं पढ़ाना चाहिए, आज वही गा रहे गुणगान, देखिए कैसे हासिल की सफलता और आगे का क्या है प्लान। अक्सर कहा जाता है कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे, अब ऐसा ही कर दिखाया है दिहाड़ी मजदूरी करने वाले पिता की बेटी ने। मजदूर पिता की बेटी ने आज वो सफलता हासिल की है जिसने पूरे प्रदेश में डंका बजा दिया है। महज 11 साल की उम्र में जब बेटी की शादी कर दी गई, तो समाज वालों ने बेटी की पढ़ाई को लेकर सवाल उठाने खड़े कर दिए, लेकिन उस परिस्थितियों में ससुराल वाले ने भी साथ दिया। अब वही समाज वाले इस मजदूर पिता की बेटी से अपने बच्चों को गाइड करने की सलाह मांग रहे हैं। ये कहानी है राजस्थान के रोजरी निवासी ममता गुर्जर की। ममता के पिता रामलाल गुर्जर दिहाड़ी मजदूर हैं और वो मात्र 12वीं तक ही पढ़े हैं, जबकि माँ अनपढ़ है। माता पिता ने अपने जीवन में इतनी कठिनाइयाँ देखी थी कि बेटी को आगे बढ़ाने का ठान लिया था, लेकिन गांव के रीति रिवाज और गरीबी के जंजीर ने पाँव में बेड़ियाँ बांध रखी थी, जिस कारण महज 11 साल की उम्र 2013 में ही ममता की शादी करनी पड़ी। ममता की शादी भी एक मजदूर परिवार में ही हुई। बचपन से ही गरीबी को देखते हुए फिर से एक गरीब परिवार में जाकर इतनी छोटी उम्र में ससुराल को संभालना आसान नहीं था, लेकिन कहते हैं ना, इंसान अगर ठान ले तो कठिन से कठिन परिस्थितियों से निकलकर भी सफलता पा सकता है। इस गरीबी को झेलते हुए ममता के हौसले और भी बुलंद हो गए। ममता ने अपने बुलंद इरादे और मेहनत को देखते हुए प्रण लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, एक दिन अपने पिता का नाम रोशन कर कुछ ऐसा करेगी कि ससुराल वाले भी उस पर नाज करे। अब ममता ने पूरे प्रदेश में संयुक्त इस परीक्षा में MBC वर्ग में टॉप किया है। ममता की सफलता से परिवार जश्न मना रहा है और ससुराल वाले अपनी बहू की तारीफ करते नहीं थक रहे। ममता बताती है कि ससुराल की जिम्मेदारी और गरीबी के बीच पढ़ाई आसान नहीं था, लेकिन उसने विपरीत परिस्थितियों के बावजूद पढ़ाई का प्रण लिया, जिसमें माता पिता के साथ साथ ससुराल वालों ने भी कहा अगर ममता पढ़ना चाहती है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन गरीबी और छोटी सी उम्र में ससुराल की जिम्मेदारी ममता के कदम हमेशा पीछे खींच रही थी। ममता कहती है कि गरीबी के कारण उसे घर के कामकाज के साथ साथ खेत और पशुओं का भी पालन पोषण करना पड़ता था। ममता जहां दिन में बकरी चराने जाती, वहीं शाम तक भैंस का दूध दुहने के बाद रोजाना डेयरी तक पहुंचाती, फिर रात में घर का कामकाज लिपटा कर देर रात तक पढ़ाई करती। ममता के लिए शिक्षा इसलिए और भी मुश्किल थी क्योंकि उसे कोई गाइड करने वाला नहीं था। ऐसे में केमिस्ट्री और बायोलॉजी के शिक्षक उसके मेंटोर गिरधारी ढकरवाल ने कृषि शिक्षा के बारे में बताया। शिक्षक ने गाइड किया और ममता ने अपने मेहनत के बलबूते प्रथम स्थान प्राप्त किया। ममता ने अपनी 10वीं तक की पढ़ाई गांव के सरकारी स्कूल से की, जबकि इस बार राजस्थान में कृषि महाविद्यालय में प्रवेश के लिए आयोजित संयुक्त प्रवेश परीक्षा में अपने वर्ग और पूरे प्रदेश में अव्वल स्थान प्राप्त कर मिसाल कायम कर दिया। वहीं ममता बताती है कि वो अब एग्रीकल्चर साइंस में आगे बढ़ेगी। आज लोग ममता के हिम्मत और जज्बे को सलाम कर रहे हैं।